लोगों की यहाँ दाल निकल रही है और हमने तड़के की दाल बना दी है। ई और मैं और रिया ऐसे ऐसे करते हैं। ये बताने में खुशी होती अगर इसने कुछ सीख लिया होता, लेकिन इसने नाक कटवा दी मेरी, तो मैं किस मुंह से कहूंगी मैं इसको सिखाती हूँ। ऑन स्क्रीन मैं इसको जितनी उल्टी हरकतें सिखाती हूँ, हमारी कोशिश रहती है कि मेकअप रूम में हम अच्छे से अपने स्क्रिप्ट को रिहर्स करके पढ़ के जाएं। रिया आप क्या कहना चाहेंगी? कहीं ना कहीं राजीव आपका सपोर्ट कर रहे थे, बट धीरे धीरे सीन देख के लग रहा है कि प्यार आपका भी जाग रहा है, मतलब राजीव की तरफ से, और वहाँ पे कुहू एकदम गुस्से में देख रही है, क्या कहना चाहेंगी? तो ये तो अभी रिया का हुआ है, क्या बोलते हैं, I'm not getting that word. Wait, you have to edit this. Wait. अरे वो वर्ड याद नहीं आ रहा मुझे। फील क्या उसका? अब फील क्या उसका? गलतफहमी। रिया को गलतफहमी हो रही है कि राजीव भी अभी तक उसे भुला नहीं पाया है। तो अभी जो आपने जो सीन देखा तो वो उसी से रिलेटेड है। हाँ, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो रिया जो है राजीव को क्या पाने की कोशिश कर रही है, और देखा जाए तो कुहू भी काफी भड़की हुई है, तो आगे का प्लान क्या हो सकता है? सो ये बेसिकली वही सीन है, एक घर वाली एक बाहर वाली, एंड द गर्लफ्रेंड द एक्स गर्लफ्रेंड थिंग्स दैट द एक्स बॉयफ्रेंड इज स्टिल इन लव विद हर, एंड तो यही इसमें मेरा और कुहू का टशन चल रहा है एंड दैट वाज इट। खुशबू मैम आप क्या कहना चाहेंगी? कहीं ना कहीं देखा जाए तो वहाँ पे कुहू जो है वो रिया पे भारी पड़ रही है देखा जाए तो आप किस तरह से सपोर्ट करने वाली है रिया को? देखिए जहाँ पे अपना बंदा हार रहा हो वहाँ पे मैं अपर हैंड लेके इसको जिता दूंगी, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस घर में मैं किस तरीके से बनी हुई हूँ और मेरी जगह मैंने मजबूती से पकड़ी हुई है, तो रिया को मैं पुल अप कर लूँगी और मुझे पूरा विश्वास है इस बात पे। फिर हमेशा की तरह कुहू वापस से रोती रहेगी और मैं और रिया ऐसे ऐसे करते रहेंगे। रिया आप क्या कहना चाहेंगे कुहू मैम का सपोर्ट पाने के बाद, जो आपको एक हौसला आया है इस घर में, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे उसको? क्या कहते हैं? मैं खुशबू, खुशबू, खुशबू मैम का सपोर्ट मिला। अच्छा खुशबू, आपने कुहू बोला? नहीं खुशबू ना, ओके आपने कब बोला मैम? हाँ तो ये तो ऐसे ही हो गया मेरा और खुशबू का कि एक टीचर और दूसरी स्टूडेंट, एक गाइड कर रही है दूसरी लीड कर रही है, सॉरी फॉलो कर रही है। इट इज नॉट माइंड। ओ माय बहुत बढ़िया। वैसे तो आजकल मतलब मुझे ये बताने में खुशी होती अगर इसने कुछ सीख लिया होता, वो कैब सीख लिए होते या कन्वर्ट करना सीख लिया होता, तो मुझे खुशी होती कि मैं वो काम करती हूँ इसके साथ, है ना। हाँ. जब हम स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो हम साथ में बैठ के पढ़ते हैं, सो दैट इसको हिंदी के कुछ वर्ड्स में अगर प्रॉब्लम है या अगर उर्दू का कुछ वर्ड है, लेकिन इसने नाक कटवा दी मेरी, तो मैं किस मुँह से कहूँगी मैं इसको सिखाती हूँ। तो ऑन स्क्रीन मैं इसको जितनी उल्टी हरकतें सिखाती हूँ, हमारी कोशिश रहती है कि मेकअप रूम में हम अच्छे से अपने स्क्रिप्ट को रिहर्स करके पढ़ के जाएं, ताकि हम वहाँ पे अच्छे तरीके से परफॉर्म करें, वो कोशिश हमारी रहती है, और इसकी वजह से हमारी केमिस्ट्री और भी ज़्यादा आपको स्क्रीन पे अच्छी लगती है। ऑन स्क्रीन तो वो है कि दोनों वैम्प्स एंड ऑल, बट ऑफ स्क्रीन इट इज़ कि जहाँ भी मुझे प्रॉब्लम्स है डायलॉग में, बिकॉज तुम लोग को पता चल गया रहेगा मेरा हिंदी में थोड़ा बहुत इट्स ऊपर नीचे, ओके तो ऐसे ऐसे वर्ड्स आते हैं जो मैंने कभी लाइफ में सुने भी नहीं होंगे, ओके तो जैसे वाजिब आ गया, फिर एक अभी एक मंजर राइट मंजर आ गया, तो मुझे पूछना पड़ता है लोगों को पकड़ पाएगा भाई इसका मीनिंग क्या है, ओके तो मैं वो कन्वर्ट कर ट्रांसलेट कर सकूँ, इंग्लिश की भी प्रॉब्लम हो रहा है मुझे ट्रांसलेट कर सकूँ उसे, सो या आई ऑलवेज कम टू हर एंड शी गाइड्स मी। और आज बहुत ही मज़े की एक बात हुई है, कल मैं नहीं थी यहाँ पर, तो मैंने आके रिया को बोला, मैंने कहा री मैंने तुम्हें कल बहुत मिस किया, तो इसने मुझे कहा कि मैंने भी बहुत मिस किया, आपको पता है स्क्रिप्ट में एक वर्ड आया था जो मुझे नहीं पता था मंजर वो क्या होता है, तो मुझे लगा कि इस वजह से मिस किया तुमने मुझे, वो आज बोलना है मुझे मंजर, हाँ, मंजर पता चल गया मंजर के, तो अब इसको पता चल गया क्या है मंजर। वाह वाह। मैम का थॉट जाता है कि रिया अब तुम इस घर में नहीं रह सकती, इसी के साथ ही तुम्हारा भी खेल यहाँ पे खत्म हो गया, तो ऐसा क्या हुआ था घर में, क्या मतलब आग लगी थी या क्या डॉक्यूमेंट्स
पुरानी यादें जल गई क्या है? क्योंकि अभी कुहू को साफ साफ पता चल गया है कि रिया उसके सॉरी माय लैंग्वेज इज गोना बी वेरी बैड उसके पति पे लाइन मार रही है यू आर अंडरस्टैंडिंग नो डोरे डाल रही है राजीव पे सो ऑब्वियसली कोई भी वाइफ ये बर्दाश्त नहीं करेगी राइट तो पहले तो वो पहले तो वो शी वाज हिडन अंडर रैप्स ना कि छुपी हुई थी खुलकर सामने नहीं आ रही थी कि उसके इंटेंशन क्या है उसके टुवर्ड्स राजीव एंड एवरीवन तो फिर अभी को ये साफ साफ पता चल गया है सो वो इसलिए वो वी बोथ हैव लॉक्ड हॉर्न्स विद ईच अदर नाउ ये टशन बड़ा वो बोला आज टशन हां ए कोई तो मुझे ठ बोला था टशन लास्ट जाते थे शो में खुशबू मैम की एंट्री हुई थी बाद में आपकी एंट्री हुई और दोनों जन एक साथ में मिल गए अभी देखा जाए तो एक दूसरे का सपोर्ट करें तो आगे क्या तड़का देखने के लिए मिल सकता है शो में यार क्या तड़का हम दोनों ही तड़का हैं है ना तो हमको देख रहे हो मतलब तड़का ही देख रहे हो लोगों की यहाँ दाल निकल रही है और हमने तड़के की दाल बना दी है तो हमारी अपनी स्टोरी है हम अपना मजा कर रहे हैं For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.